प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका गायत्री कॉलेज सांतोर की यूट्यूब चैनल पर संचालित होने वाली ऑनलाइन क्लास में। आज की ये क्लास बीएससी और बीएससी बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। जैसा कि विद्यार्थियों इससे पूर्व की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं लाइकेन की थैलस और उसका वर्गीकरण। लाइकेन की थैलस का जब हमने डिस्कस किया था, उसको पढ़ा था, तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि लाइकेन एल्गी तथा फंगी से निर्मित एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीवनी जीवन व्यतीत करने वाले पादप समूह है। थियोफ्रस्ट ने सबसे पहले इन पादपों को वृक्ष की छाल से पृथक किया था और रिपोर्ट किया था। एल्गी इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है, जबकि फंगी वातावरण से जल अवशोषित करके एल्गी को प्रदान करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरक होने के कारण, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होने के कारण, जिससे अपना जीवन यापन कर सके, जीवन व्यतीत कर सके, इसीलिए इसको सिम्बायोसिस एसोसिएशन नाम दिया गया है। आज हम उस थैलस की बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था वो इसकी बाह्य संरचना थी, और बाह्य संरचना के आधार पर लाइकेन को तीन समूह में डिवाइड किया था, क्रिस्टोज लाइकेन, फोलियज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। आज हम उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि तीनों ही प्रकार के लाइकेन की आंतरिक संरचना कैसी होती है या इनमें अंतर क्या होता है। गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कि आज कौन सा वीडियो अपलोड किया गया है, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज हम अपना टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं लाइकेन की आंतरिक संरचना। ये आंतरिक संरचना उसके टीए से संबंधित है। जब किसी पादप भाग का काट काटा जाता है तो हमें इसकी आंतरिक संरचना दिखाई देती है। तो विद्यार्थियों आंतरिक संरचना के आधार पर लाइकेन के थैलस को मुख्य रूप से पांच भागों में बांटा जाता है। लाइकेन के थैलस की ऊपरी सतह जिसे अपर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर तीनों ही प्रकार के लाइकेन, क्रिस्टोज, फोलियज और फ्रूटिकोज, तीनों प्रकार के थैलस की आंतरिक संरचना का सिमिलर अध्ययन कर रहे हैं। अधिकांशतः इस प्रकार की आंतरिक संरचना का अध्ययन फोलियज टाइप के अंदर या फोलियज लाइकेन का किया गया है, इसलिए जो पहला जो डायग्राम है वो फोलियज लाइकेन का है और दूसरा है वो फ्रूटिकोज का है, पर्निल और सुपील प्रकार के लाइकेन का। तो सबसे बाह्य परत पाई जाती है वो अपर एपिडर्मिस कहलाती है। अपर एपिडर्मिस एकल पंक्ति का बहुकोशिकीय संरचना होती है, केवल एक परत के रूप में पाई जाती है। फ्रूटिकोज के अंदर अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस पाई जाती है, फोलियज के अंदर केवल अपर एपिडर्मिस पाई जाती है। इस अपर एपिडर्मिस की कोशिकाओं के मध्य कहीं कहीं पर छिद्र पाए जाते हैं, ऐसे छिद्रों को श्वसन छिद्र के नाम से जाना जाता है, रेस्पिरेटरी पोर। इस पोर का संबंध इसकी आंतरिक परत पर उपस्थित कॉर्टेक्स कोशिकाओं से होता है, अर्थात कॉर्टेक्स कोशिका इन छिद्रों के माध्यम से बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। इन छिद्रों से गैसों का विनिमय होता है, जिसके फलस्वरूप
आवश्यक गैसें अंदर अवशोषित होती है और अनावश्यक गैस इस छिद्र के द्वारा बाहर की ओर निकलती है। ये गैसें मूल रूप से प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन से संबंधित हैं। अपर एपिडर्मिस के नीचे स्थित एक बहुप्रतीय सघन तंतुओं से निर्मित कवकीय क्षेत्र पाया जाता है। इस कवकीय क्षेत्र को अपर कॉर्टेक्स नाम देते हैं। अपर कॉर्टेक्स फ्रूटिगोज के अंतर्गत कवक और एल्गी सामान्य रूप से वितरित रहते हैं, इसलिए इसको अपर कॉर्टेक्स नहीं कहते बल्कि केवल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। ये कॉर्टेक्स कवक तंतुओं से निर्मित अथवा माइसिलियम युक्त, जिसमें सघन रूप से एक समूह पाया जाएगा, एक तंतुनुमा संरचना पाया जाता है जिसको हाइपी कहते हैं। तो कवक तंतुओं से निर्मित एक स्ट्रक्चर होती है। ये कवक तंतु इस थैलस के लंबवत स्थित होते हैं, इसलिए जब हम अनुप्रस्थ काट करते हैं तब इसकी अनुप्रस्थ संरचना देखने को मिलती है। इन कवक तंतुओं के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश या स्पेस नहीं पाया जाता। इसके स्थान पर इन तंतुओं के मध्य श्लेष्मीय पदार्थ युक्त कैविटीज पाई जाती है, जिसको म्यूसिलेस कैविटी के नाम से जानते हैं। श्लेष्मीय गुहिका, और श्लेष्मीय गुहिका में क्या भरा हुआ होगा? निश्चित रूप से श्लेष्मा पाई जाएगी। अपर कॉर्टेक्स के बाद में जो तीसरा परतीय संरचना है, थर्ड लेयर है, वो कहलाती है एल्गी या एल्गल जॉन। एल्गल जॉन एल्गी से निर्मित होगा। इस क्षेत्र में शैवालीय तंतु पाए जाएंगे। शैवालीय तंतु मुख्य रूप से क्लोरोफाइसी अथवा साइनोफाइसी वर्ग के मेंबर होते हैं। शैवाल कौन से प्रकार के पाए जाते हैं इसके आधार पर इस लाइकेन को तीन समूह में विभक्त करते हैं। यदि वो क्लोरोसाइनोफाइसी के क्लास के मेंबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक पाया जाता है, तो साइनोफाइसी एल्गी होने पर ऐसे लाइकेन्स को साइनोफाइकोफिलस कहते हैं। यदि उसके स्थान पर कोई क्लोरोफाइसी क्लास के कोई मेंबर पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोकोकस, ऐसी स्थिति में से क्लोरोफाइकोफिलस कहते हैं। और यदि इस एल्गल जोन में क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी दोनों ही प्रकार के शैवालीय तंतु पाए जाते हैं, तब उसको नाम देते हैं डाइफाइकोफिलस। फाइको एल्गी, डाई का मतलब दोनों टाइप्स के, क्लोरो मतलब क्लोरोफाइसी का, साइनो का मतलब साइनोफाइसी का। डाई में कौन सा आएंगे? क्लोरोफाइसी भी आएगी और साइनोफाइसी भी आएगी। एल्गिल जोन में क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी दोनों ही प्रकार के मेंबर प्रेजेंट होते हैं, तब उसका रंग ब्लू और ग्रीन दिखाई देता है। यदि केवल साइनोफाइसी है तो ब्लू ग्रीन, ब्लू मात्रा अधिक हो जाती है। केवल क्लोरोफाइसी है उस स्थिति में ये केवल और केवल कैसा दिखाई देगा? ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो ये एक इसके बिना स्टीन किए हुए हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एल्गल जोन है। एल्गल जोन क्या कार्य करेगा? ये रेस्पिरेटरी पोर के द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगा और खाद्य पदार्थों को निर्मित करने का कार्य करता है। एल्गी और कवक तंतु इसमें किस प्रकार से विन्यासित है, इसके आधार पर इस थैलस को या एल्गल जोन क्षेत्र के अलावा थैलस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कि यदि एल्गी परत अलग है और फंगी परत अलग है, दोनों परत अलग अलग टाइप्स की पाई जाती है, तो उसको नाम देते हैं हेटेरोमरस टाइप्स का। और यदि एल्गी और फंगी फिलामेंट आपस में जुड़े हुए हैं, अंतर्ग्रंथित हैं, स्पष्ट रूप से कोई अलग परत नहीं पाई जाती, तो हम उस स्थिति में उस थैलस को नाम देते हैं होमो आइसोमरेज थैलस या होमो आइसोमरेज एल्गल जोन। होमो आइसोमरेज या समावेवी शैवालीय क्षेत्र मुख्य रूप से कॉलेमा और लेप्टोजियम जैसे
लाइकेन के अंतर्गत पाया जाता है या उसमें मिलता है। तीसरा जो क्षेत्र पाया जाता है, थर्ड फोर्थ क्षेत्र, उसको मेडुला नाम देते हैं। विद्यार्थियों, मेडुला या मध्यांश अगेन फंगी से निर्मित या हाइपी से निर्मित एक क्षेत्र होता है। जो फ्रुटिकोस प्रकार के लाइकेन है उसका फिलामेंट या थैलस बेलनाकार होने के कारण उसमें मेडुला केंद्रीय अक्ष के रूप में पाया जाता है। मेडुला में पाए जाने वाले कवक तंतु अपर कॉर्टेक्स क्षेत्र की तुलना में कम ग्रंथिल होते हैं, तो ये ढीले आबंधीय संरचना द्वारा जुड़े हुए बिखरी हुई संरचनाएं पाई जाती है। पांचवा जो भाग आता है वो आता है लोअर कॉर्टेक्स। अगेन ये क्षेत्र भी फंगी फिलामेंट से निर्मित होता है। इस क्षेत्र की सबसे निचली परत के फंगी फिलामेंट या हाइपी पतले तंतुओं में रूपांतरित हो जाती है। इस संरचना को राइजिन के नाम से जाना जाता है। राइजिन की अग्रभाग एक डिस्कनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाता है और इस डिस्क द्वारा स्रावित श्लेष्मा के कारण राइजिन थैलस को सब स्टेट से आसानी से जोड़े रखने का कार्य करता है। तो राइजिन पर्निल प्रकार के अथवा परपट्टी में थैलस की सबसे निचली सतह से नियमित होकर के थैलस को सबस्ट्रेट से जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, लाइकेन की आंतरिक संरचना को जो पढ़ते हैं तो सामान्य रूप से ये पांच भागों में विभक्त होता है। अपर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला और लोअर कॉर्टेक्स। राइजिन हमेशा कहाँ से डेवलप होगी? लोअर कॉर्टेक्स से होगी, निचली से। कैसी संरचना होती है? पतली तंतुवत होती है, जिसकी अग्रभाग की संरचना होती है या अग्रभाग होता है वो डिस्कनुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस थैलस की बाह्य सतह पर अथवा थैलस की सतह पर पाए जाने वाली विशिष्ट संरचनाएं कौन सी होती हैं। लाइकेन की थैलस पर मुख्य रूप से पांच प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक को श्वसन छिद्र, रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग पोर के नाम से जाना जाता है। दूसरे को सिफिली या लघु कोटरिका। तीसरे को सिप्लेडिया। चौथा इसीडिया और पांचवी होती है सोरिडिया। विद्यार्थियों, ये संरचनाएं इनमें सामान्य मेटाबॉलिक क्रियाओं के साथ साथ जनन संरचना के रूप में भी पाई जाती है। क्योंकि थैलस की सरफेस पर अथवा थैलस में दसवीं अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए इनको एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता है। सबसे पहला टॉपिक है बड़ा जो संरचना के रूप में पाया जाता है वो श्वसन छिद्र होते हैं, ब्रीथिंग पोर होते हैं या इसको रेस्पिरेटरी पोर कहते हैं। ये इसकी थैलस की अपर एपिडर्मिस के मध्य, अपर एपिडर्मिस जो कि मूल रूप से फंगल क्षेत्र से निर्मित होती है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पे फंगल समूह सघन रूप से विन्यासित नहीं होते। वो जो एक छिद्रनुमा संरचना बनेगी उसको रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग या ब्रीथिंग पोर अथवा श्वसन छिद्र के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से क्या कार्य करेगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये गैस एक्सचेंज के रूप में प्रयुक्त होते हैं, गैसों का विनिमय करने का कार्य करता है। दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है उसको नाम देते हैं सिफेली। सिफेली कॉर्टेक्स क्षेत्र के अंतर्गत डेवलप होती है। इस कॉर्टेक्स क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले इस प्रकार के फंगल हाइपी या तंतु, जिसके शीर्ष भाग पर इस प्रकार की गोलाकार कॉनिडियम के लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, इन संरचनाओं को ही सिफेली अथवा लघु कोटरिका कहते हैं। कोटरिका कहने का तात्पर्य ये था कि ये लोअर कॉर्टेक्स में पाई जाती है। तो एक सामान्य सा थैलस प्रकार का ये
जिसके लोअर कॉर्टेक्स से राइजिन निकलती है, राइजिन के जस्ट नीचे के ऊपर की ओर आंतरिक भाग की ओर यहाँ पर कोटरनुमा संरचना विकसित होती है, जिसके अग्रभाग की परत टूटने के बाद में इसका क्षेत्र द्वार बाहर खुलता है। अब इस क्षेत्र के पाए जाने वाले कवक तंतु अतिवर्धी करके तंतुल संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जिसके मुक्त शिरों से इस प्रकार की गोलाकार संरचनाएँ विकसित होती है, इनको सिफिली नाम देते हैं। ये सिफिली संरचनाएँ मुख्य रूप से श्वेत रंग की होगी और एक प्यालेनुमा संरचना के अंतर्गत ही विकसित होती है। ऐसा सिफिली जैसी संरचना स्टिक्टाम नामक लाइकेन के अंतर्गत सामान्य रूप से पाया जाता है। तीसरी जो विशेष संरचना है उसको नाम देते हैं सिफिलोडिया, मूल रूप से पर्निल लाइकेन के अंतर्गत ये पाई जाती है। होती कैसे ये? एपिडर्मिस के ऊपरी सतह पर कवक तंतु तथा शैवाल से निर्मित एक विशेष संरचना है, जिसमें कवक तंतु तो उस थैलस का भाग है या कवक उस कवकांश क्षेत्र के समान पाए जाते हैं, लेकिन उसमें पाई जाने वाली एल्गी उसी थैलस की न होकर के दूसरी होती है। हालांकि वो क्लोरोफाइसी या साइनोफाइसी की होंगी, लेकिन इसमें मुख्य विशेषता क्या है कि कवक का भाग तो थैलस के कवक के समान है, लेकिन एल्गी उसके अंदर पृथक रूप से होती है। ये इस थैलस पर उत्पन्न होने वाली एक गहरे रंग की अतिवर्धी गोलाकार या अंडाकार स्ट्रक्चर होती है। ये संरचना भी अलग होकर के एक लाइकेन के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। क्यों करेगी? क्योंकि फंगी क्षेत्र हैं और एल्गल है, दोनों का सिम्बायोसिस प्रोसेस हो गया। तो ये इसके अंतर्गत हरे रंग की गोलाकार संरचना है वो एल्गल जोन है और बाकी इसके अंदर माइसिलियम या फंगल जोन। चौथे प्रकार की विशिष्ट संरचना, अगली संरचना है इशिडिया, मूल रूप से थैलस के ऊपरी सतह से विकसित होने वाली अंडाकार या गोलाकार या विशेष आकार की संरचना होती है, जिसके अंतर्गत शैवाल क्षेत्र और इसकी बाह्य कॉर्टेक्स आउटर कॉर्टेक्स या आउटर सरफेस क्षेत्र मूल रूप से थैलस के अंदर पाई जाने वाली एल्गील के समान होती है। तो एल्गी है वो इस थैलस का ही एक भाग है, एल्गी तंतु थैलस से निर्मित होने वाली, जबकि कवक तंतु इसका बाह्य आवरण बाह्य रूप से निर्मित होने वाले कवक से निर्मित हो सकता है। असनिया के अंदर इस प्रकार की संरचना का आकार सीगार के समान, जबकि पार्मेलिया के अंतर्गत यही इशिडिया अंडाकार होती है। आकार के आधार पर इशिडिया अलग अलग आकार की हो सकती है। पांचवी विशेष संरचनाएं जो सरफेस पे पाई जाती हैं वो कहलाती है सॉरिडिया। सॉरिडिया कोई बड़ी आकार की संरचना नहीं होकर के महीन पाउडर नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। जैसे कि हम एल का फंगी का एक एग्जाम्पल लेते हैं एल्बुबो कैंडिडा का, तो ये कैंडिडा सरसों की पर्ण पर स्पोटी संरचना विकसित करता है जो कि इसकी कॉनिडियम नुमा संरचना होती है, वो पाउडर नुमा स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। उसी प्रकार की संरचना लाइकेन की थैलस पर बनती है तो उसको नाम देते हैं सॉरिडिया। सूक्ष्म होगा, महीन होगा और पाउडर नुमा संरचना के रूप में धब्बों के रूप में पाया जाता है, उन धब्बों को स्पोट कहते हैं। तो मुख्य रूप से स्पोट के रूप में पाई जाने वाली संरचना को नाम देता है सॉरिडिया। ये सॉरिडिया ऊपरी वलकुट के नीचे स्थित क्षेत्र से होता है, ऊपरी वलकुट उसके नीचे पाए जाने वाली एल्गल क्षेत्र, तो उसी एल्गल क्षेत्र और कवक तंतु क्षेत्र से इस संरचना का विकास होता है। और ये ऊपरी वलकुट तथा एपिडर्मिस को तोड़ने के बाद में बाहर की ओर निकलते हैं, वहाँ पे स्पॉट के रूप में दिखाई देना प्रारंभ होता है। ऐसा फाइसिया और पार्मिलिया के अंदर देखने को मिलता है। ये एक स्ट्रक्चर सॉरिडिया को प्रदर्शित करने वाली है, जिसमें इसके केंद्रीय भाग की संरचना वो एल्गी का भाग है कि बाह्य भाग का फंगी का। इस प्रकार की संरचना सॉरिडिया कहलाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हमने लाइकेन की थैलस की आंतरिक संरचना और उसके सतह पर पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाओं का अध्ययन किया। अगले वीडियो या लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइकेन के अंदर पाई जाने वाली जनन की विधियाँ,
वे कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा लाइकेन जनन क्रिया संपन्न करता है।